Good evening guys, this is Anirudh and I welcome you everyone to India's best and biggest online education platform, the one and only Unacademy. How are you people? Sorry for the late, actually there was some network problem, okay? I had already, posted it in there actually, so session is live, okay? So guys, quickly let me know in the live chat section actually whether I am perfectly audible as well as you're visible, so that you know everyone can actually enjoy today's session. Okay, one second, sir, please. Okay, am I audible and visible now? Okay, let's see. Session, yes. Okay, ye dekho. आगे सब स्पैमर लोग, जल्दी से जल्दी सर एक बार लाइक और शेयर कर दो सेशन को, सो दैट यू नो एवरीवन कैन एक्चुअली यू एंजॉय द सेशन, सो दैट यू नो नोबडी मिसेस इट आउट. दैट्स द मेन थिंग आई वांट, कि सर कोई भी सेशंस को मिस ना करे, यही सर चाहता हूं मैं. जल्दी से सर एक बार लाइक और शेयर कर दो सेशन को, सो दैट यू नो एवरीवन कैन एंजॉय दिस सेशन. आज सर सुबह भी नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था ओवर हियर, कुछ काम चल रहा है बाहर, दैट्स व्हाई मे बी द रीजन. ओके, so let's see who is going to give the correct answers today for giving me and understanding the particular thing. And tell me whether voice is coming or not. Everyone, let me know in the live chat section whether it's coming or not. Raju, Arnab, सभी लोग सर वॉइस आ रहा है कि नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे एक बार कमेंट करके बता दो whether voice is coming or not. Yes or no? Yes, अभी सर आ रहा होगा. Okay, जल्दी से जल्दी सर, learn by विधि. Okay, yes. फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दो सेशन को in all the Telegram channels and Telegram groups so that you know everyone can enjoy this session. सबसे पहले सर डेफिनेटली हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसमें सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक जो लोग गेट और ईएसी के सब्सक्रिप्शन नहीं ले चुके वो जरूर सर ले लेना. डेफिनेटली एएनआर 10 कोड का इस्तेमाल करना एंड डेफिनेटली सर ले लेना बाय 14th ऑफ अप्रैल, बिकॉज यू आर गेटिंग 12+2 months एंड 24+3 months बेसिकली. ओके, हमारे डाउट का जो प्लेटफॉर्म है डाउट सेशन उसमें सर भेज दो. ओके, मैंने जस्ट अभी ओपन किया, डिड नॉट सी योर प्रॉब्लम एक्चुअली. ओके, सो डाउट भी सेक्शन है, आप वहां पे भी भेज सकते हो. ओके, सो यू नो दिस इज योर 12+2 months 24+3 months ओवर देयर सर एक्चुअली. ठीक है, एक्चुअली पोर्टल फ्रेम के प्रॉब्लम में यहाँ पे करवाया नहीं, पोर्टल फ्रेम के प्रॉब्लम जहाँ पे करवाना था करवा दिया. ओके, करवाऊंगा अभी. ओके, सो डेफिनेटली ज्वाइन देयर. 32,000 rupees यू हैव टू एक्चुअली पे for getting 14 months of validity plus test series, everything at this particular thing. 14 months of validity at 32,000, it is an extremely affordable rate. Still you can get 14 months of validity. Like अभी से अगर आप शुरू करते हो तो EAC तक पूरा का पूरा तैयारी एकदम fix है आपकी, gate और EAC दोनों एक साथ हो जाएगा 32,000 में, with mock test, with study notes, everything. If you are talking about your iconic subscription, in iconic subscription, you can have a one-to-one discussion, one-to-one doubt clearing session with the faculty, जो कि आपको plus में नहीं मिलेगा. In iconic, you can fix a session. देखो सर, बहुत सारे लोग क्या होता है कि हमको भी like doubt पूछते हैं and all these things, individually पूछते हैं, but it's not always possible for us to actually entertain. मतलब time ही नहीं होता है, simple सी बात ही है. कभी time होता है तो कुछ बोल देता हूँ. लेकिन यहाँ पे iconic subscription में ये क्या है कि ये हमारी duty है. It's just our, you know, like, क्या बोलते इसको, फर्ज है कि आप लोगों को मैं जवाब दूं. और आप लोग हमारे साथ टाइम फिक्स कर सकते हो कि सर 45 मिनट्स का एक सेशन है, यू कैन आस्क अस डाउट्स, उस डाउट्स को सर हम क्लियर करेंगे बैठ के. उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग लाइव डाउट सॉल्विंग, यू आर गेटिंग फिजिकल नोट्स स्टडी मटेरियल, 1:1 लाइव मेंटरशिप, 1:1 लाइव गाइडेंस यू कैन गेट एक्चुअली फ्रॉम अ फैकल्टी, ऑल इंडिया लेवल फैकल्टी, including all the benefits of the plus. Again sir, feature जो है बहुत ही तगड़ा है. 56,000 में 55,000 something actually. Hello,
अभिनव नेगी कोला मैन, गुड इवनिंग. सो डेफिनेटली गाइस डू हिट द लाइक बटन, शेयर द सेशन विद अदर पीपल. 55,000 में यू आर गेटिंग ऑल दिस बेनिफिट्स फॉर 12 मंथ्स, एंड इफ यू आर वांटिंग टू सब्सक्राइब फॉर 6 मंथ्स, योर फीस इज लाइक 46,000 एंड ऑल दिस थिंग्स, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ सब्सक्राइबिंग टू 6 मंथ्स राइट नाउ. अगर आप ऑलरेडी अपना पैसा कहीं दूसरे जगह में बर्बाद कर चुके हैं तो जरूर जरूर सर, जरूर जरूर आऊंगा मैं सागनिक. ओके, सो अगर आप अपना पैसा जरूर जरूर से दूसरे जगह में बर्बाद कर चुके हैं तो आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट लेके थोड़ा बहुत अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, जो कि है गेट अनअकैडमी लाइट 2023-2024 सब्सक्रिप्शन. यस आई विल कम यू नो शागनिक फॉर श्योर. ओके, अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट सर अनअकैडमी लाइट के जो सब्सक्रिप्शन है, देयर यू आर गेटिंग अराउंड योर 100 प्लस टेस्ट. आसबो आसबो शागनिक, तुम्ही थे गोगा ना, आसबो आम्ही फॉर श्योर. ओके, सो 100 प्लस मॉक टेस्ट, एक्चुअली द फीस इज योर 1499 टिल नाउ. ये बढ़ने वाला है बाद में, जब आपको सर एक्चुअली ये ख्याल आएगा कि हाँ आपको मॉक टेस्ट लेना चाहिए तो ये फीस डेफिनेटली और बढ़ेगा. ओके, तो 100 प्लस मॉक टेस्ट एट 1499. इफ यू आर अप्लाइंग द कोड ANR10 ये बन जाता है 1350 में, एंड आफ्टर दैट इफ यू अप्लाई द कॉइन्स जो आप मेरे फ्री क्लास करके जो कॉइन्स आप मतलब अर्न करते हो, उस कॉइन को आप रिडीम कर सकते हो. आफ्टर रिडीमिंग दैट कॉइन इसका जो फीस हो जाएगा दैट इज योर 1000 rupees के आसपास कुछ. ओके, विच इज इनक्रेडिबल. एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग माई स्पेशल क्लासेस, आपको दो बेनिफिट्स मिलता है. फर्स्टली यू कैन अटेंड द क्लासेस, यू कैन आस्क योर डाउट्स, पोल बेस्ड लाइव इंटरेक्टिव सेशन टू फाइंड योर रैंक अमंग द अदर पीपल, एंड सेकेंड थिंग इज यू कैन ऑल्सो आस्क द, यू कैन ऑल्सो गेन और अर्न सम कॉइन्स आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग थिंग्स. ओके, 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर. तो शुरू करते हैं सर हम हमारे सर. यस आई नो ऑब्वियसली आई एम अ बंगाली, आई एम फ्रॉम कोलकाता ओनली, सो वाई इट्स माय मदर टंग. ओके, सो रिवेटेड कनेक्शन के अगर मैं बारे में बात करूं तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिवेटेड कनेक्शन, में वो आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसके एनालिसिस में जाएंगे. ओके, सो ये रिवेट आप सबसे ज्यादा कहां पे देख चुके हैं, वेयर यू हैव फाउंड दिस रिवेटेड कनेक्शन इन द हाईएस्ट, दैट इज इन द रेल ब्रिजेस. आप सर रेल ब्रिज में जाना, रेलवे के कोई भी काम पे सर चले जाना, उसमें आज भी रिवेट का इस्तेमाल होता है. मोस्टली इन डिफरेंट प्लेसेस रिवेट इज नॉट दैट मच यूज्ड एक्चुअली, इंस्टेड सम बोल्ट्स आर ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड, बट इन द रेलवे वॉक स्टिल रिवेट इज यूज्ड, यू कैन सी इट इन द पिक्चर इटसेल्फ. ओके, रिवेट का मेन काम क्या है सर, इट्स मेन जॉब इज एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रिवेट कैसा होता है पहले देखते हैं, उसके बाद हम इसके इंसर्शन प्रोसीड्योर एंड ऑल दिस थिंग्स इसके बारे में जानेंगे. ये सर एक रिवेट है, ये थोड़ा जल गया लगता है इसलिए सर काला काला हो गया, राइट. सो व्हाट आर द डाइमेंशंस ऑफ अ रिवेट, रिवेट के सर दो पार्ट होता है. एक पार्ट सर इसको बोलते हैं रिवेट की मुंडी यानी कि हेड. ओके, एंड दिस इज नोन एज योर शैंक. ओके, नाउ एक्चुअली यस रेलवे स्टेशन इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट ऑल द स्टील स्ट्रक्चर एलिमेंट. स्टील स्ट्रक्चर के पूरे क्लास में आपको जितने सारे चीजें पढ़ाया जाएगा सबके सब आपको रेलवे स्टेशन में दिख जाएगा, एवरीथिंग यू कैन सी. सो दिस इज एक्चुअली हेड, दिस इज योर शैंक. नाउ सपोज इफ आई एम सेइंग दैट द नॉमिनल डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज 10 mm, ओके, और से 20 mm, वाट एवर, दैट मीन्स बेसिकली इट इज द डायमीटर ऑफ द शैंक. ओके, इफ आई एम सेइंग द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज योर डी, दैट मीन्स बेसिकली इट इज द डायमीटर ऑफ द शैंक. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्लियर है, नो कंफ्यूजन. ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ द हेड, ओके, इट इज ऑफ नो यूज टू यू. क्या होता है सर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सपोज देयर आर टू प्लेट्स राइट हियर, यहां पे सर देखिए जरा, यहां पे देखो सर दो प्लेट दिख रहा है आपको. ओके, ये सर एक प्लेट है. ओके, ये सामने वाला प्लेट, ये देखो सी सेक्शन एक दिख रहा है सर आपको, ये चैनल वाला एक सेक्शन, इसके पीछे सर एक दूसरा प्लेट. ओके, अब इन दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए मैं ये रिवेट का सहारा लिया. व्हाट बेसिकली आई हैव डन इज
I have just inserted a rivet. मैंने क्या किया, पहले छेद किया सर प्लेट में, और कहीं पे नहीं सर, ठीक है, क्योंकि मैं चुलबुल पांडे तो हूं नहीं, है ना। तो सर यहां पे क्या है कि सर दोनों प्लेट को मैं इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दिया। आफ्टर दैट आई हैव ड्रिल्ड अ होल एक्चुअली विद इन दिस पर्टिकुलर प्लेट, एंड आफ्टर ड्रिलिंग द होल एक्चुअली इसको सर मैं अंदर रिवेट को सर घुसा दिया। किस तरीके से हम रिवेट को घुसाते हैं सर, अंडरस्टैंड इट सर, रिवेट को रिवेट ही मानना। मुझे पता है सिविल इंजीनियरिंग लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, रिवेट को रिवेट ही मानना, होल को प्लेट का ड्रिल ही मानना और कुछ नहीं, ठीक, फाइन। सो कमिंग ओवर हियर एक्चुअली दिस इज सपोज अ प्लेट, दिस इज अ प्लेट एक्चुअली, आई हैव ड्रिल्ड अ होल एंड थ्रू दैट आई हैव इंसर्टेड द रिवेट। नॉर्मली सर रिवेट का डायमीटर अगर मान लीजिए, ओके हाँ मुझे पता है ना, आप जैसे लौंडों के लिए तो मैं बता रहा हूँ ना मैं अंक, ओके। तो सर द पॉइंट इज रिवेट का जो भी डायमीटर है नॉमिनल, हम उससे थोड़ा बड़ा होल ड्रिल करते, लिटिल बिट मोर एक्चुअली इन डायमीटर होल ड्रिल करते। क्यों सर हम रिवेट को ना ठंडा स्थिति में सर, कोल्ड कंडीशन में अंदर नहीं डालते, इसको पहले गर्म करते फिर हथौड़ा मार के पीट पीट के सर अंदर डालते, ओके। आफ्टर दैट एक्चुअली इट गेट्स इंसर्टेड। समझ में आया क्यों सर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं सर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेसिकली सर द डायमीटर ऑफ द होल इज केप्ट स्लाइटली बिगर, हाउ मच बिगर आई विल टेल यू, डोंट वरी, बट द डायमीटर ऑफ द होल थ्रू विच दिस पर्टिकुलर शैंक इज इंसर्टेड, दैट पर्टिकुलर होल्स डायमीटर इज केप्ट स्लाइटली मोर देन योर nominal diameter, okay, of the rivet, because the rivet is heated up and then inserted. और मैं ये मानता हूं कि गर्म स्टेट में जो रिवेट का डायमीटर है वो होल के डायमीटर के बराबर ही है। अंडरस्टैंडिंग वर एंड पेंटू से, गर्म स्टेट में रिवेट का जो डायमीटर है वो होल के डायमीटर के बराबर है। हाँ जी पता है मैं, ठीक है। अब सर बात करते हैं joints के बारे में, ओके। जॉइंट मतलब जो सोच रहे हो आप वो नहीं सर, दिस इज बेसिकली योर दोनों प्लेट का जॉइंट, है ना। तो जॉइंट आप नॉर्मली तीन तरीके से कर सकते हो, मेनली दो तरीके से ब्रॉडली। वन इज नोन एज योर लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मींस व्हाट, लैप मतलब क्या होता है, गोद, मतलब बेसिकली एक प्लेट दूसरे प्लेट के गोद में बैठा हुआ है, दैट इज लैप जॉइंट। दैट मींस फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन प्लेट, it is kept over another plate, okay, and I am joining these two plates by a rivet like this, okay, this overlapping bilkul. Now there can be only one rivet to join. ab sir ye mat samajhna ki yahan pe ek hi rivet se main pura dono plate ko join kar diya, aisa nahi sir, aapko samne se idhar ek hi rivet dikhega, actually aisa plates hai, samajh rahe ho na। यहाँ पे हो सकता है एक दो तीन चार मल्टीपल हो, मतलब एक रो ऑफ रिवेट्स है। इफ आई एम सेइंग सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन रिवेट, इट मींस बेसिकली देयर इज वन रो ऑफ रिवेट्स। देखो यहाँ पे तीन रिवेट, अंडरस्टैंडिंग, बट आपको एक रिवेट यहां से दिख रहा है क्योंकि एक ही रो है रिवेट का, ठीक। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ओके। ऑन दैट ओकेशन देयर आर टू रिवेट्स, एक्चुअली टू रो ऑफ रिवेट्स टू कनेक्ट द plates. Similarly, the second type of joint is your butt joint. Butt मतलब क्या होता है सर, आप जानते हो, किसी चीज का जो पीछा होता है बेसिकली, छोड़ा, that is your butt. तो actually दोनों प्लेट को अगर आप butt to butt माने end to end join कर देते हो तो it is known as your butt joint. But obvious बात है यहाँ पे तो सर फेविकॉल नहीं लगा दोगे आपकी दोनों प्लेट ऐसे जुड़ के रह जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको इनको जोड़ने के लिए ऊपर एक और प्लेट लगाना होगा, इट इज नोन एज योर कवर प्लेट। अब सर इसको आप आइदर इस तरीके का ज्वाइन कर दो या फिर यू नॉर्मली कीप इट लाइक दिस एक्चुअली, कि यहां पे दोनों अलग अलग रो ऑफ रिवेट्स भी आप लगाते हो नॉर्मली। आइदर यू कीप सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, मतलब क्या कि एक ही कवर प्लेट ऊपर आपने दिए,
या फिर सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, दैट इज योर सर ऊपर नीचे दोनों तरफ आप कवर प्लेट लगा के रखे हो टू प्रोटेक्ट द मेन प्लेट्स, जो मेन प्लेट्स है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको अच्छे तरीके से ज्वाइन करके रखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम अनविंस फॉर्मूला। अनविंस फॉर्मूला हमको क्या कहता है, क्या दिखाता है बेसिकली, उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहां पे जो मैं आपको बता रहा था ना कि होल का डायमीटर, सर ये होल का डायमीटर कितना होता है, होल का डायमीटर इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ द शैंक। मतलब सर इन अदर वर्ड्स इफ आई से दैट गर्म स्टेट में रिवेट का डायमीटर इज इक्वल टू ठंडा स्टेट में रिवेट का डायमीटर प्लस 1.5 mm होता है अगर आपके नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट 25 mm या फिर 25 mm से छोटा होता है। इफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट इज लेस देन इक्वल 25 mm, देन द होल डायमीटर और द ग्रॉस डायमीटर, जो भी आप बोलो, आइदर यू से होल डायमीटर, ओके, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सब्जी लेने गए थे, चलो बढ़िया, घर का काम भी करना चाहिए। सो होल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर इज बेसिकली गिवन बाय नॉमिनल डायमीटर प्लस 2, राइट। कूल हो जाएगा तब लूज नहीं हुआ क्या? नहीं सर, क्यों लूज नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर सर चिपकाने के लिए हेड है ना सर, आपको तो चिपकने से मतलब है ना सर, ऊपर तो हेड चिपक के रख रहा है सर, ओके, हेड तो सर बड़ा है ना, हेड का डायमीटर काफी बड़ा है सर, अंडरस्टैंडिंग, ये तो सर चिपका के रखेगा ना प्लेट को, अंडरस्टैंडिंग वर आई एम ट्राइंग टू से, नो प्रॉब्लम एट ऑल ओवर देयर। तो सर ग्रॉस है और होल डायमीटर जो है दैट इज योर ओके डीएन प्लस 2 एमएम व्हेन द नॉमिनल डायमीटर इज मोर देन 25 एमएम। अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं सर नॉमिनल डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज 16 एमएम, इट्स अ 16 एमएम रिवेट, what is the diameter of the hole to be drilled, sir you will keep it 16 plus 1.5 that is 17.5, kyun, kyunki sir aapka nominal diameter 25 se kam hai, theek hai। If suppose I am saying that I have a rivet of nominal diameter 28 mm, what is the gross diameter, gross diameter will be 28 plus 2 yani ki 30 mm, right, because nominal diameter is more than 25, clear ho gaya, कोई दिक्कत है, ओके। देखो सर देख रहे हो, कोई बाहर से मतलब है कि मान लो नया ज्वाइन करेगा सेशन में, ऐसे लग रहा है, ऐसे लगेगा कि सर सब्जी मार्केटिंग के ऊपर क्लास कर रहा है कोई, यू नो, समझ रहे हो, बाहर से कोई आएगा देखेगा अरे नींबू, ठीक है कहीं भी सर देखो। तो अभी सर बात करते हैं अनविंस फॉर्मूला के ऊपर। अनविंस फॉर्मूला इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि सर अगर मान लो आपके पास दो प्लेट दिया हुआ है, इफ टू प्लेट्स आर एक्चुअली गिवन, देन बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर मिनिमम, एक्चुअली द प्रेफरेबल नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट टू बी यूज टू कनेक्ट देम। कितना सर नॉमिनल डायमीटर में रख सकता हूं इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए, राइट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल सर यहां पे एक प्लेट है जिसका डायमीटर है 6 mm, जिसका थिकनेस है 6 mm, ओके, और ये एक प्लेट है इसका थिकनेस है 8 mm, ठीक। अब सर जो अनविंस फॉर्मूला कहता है वो कहता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट शुड बी 6.04 इनटू रूट ओवर ऑफ टी मिनिमम इन एमएम। मतलब सर दोनों प्लेट में जो जिसका थिकनेस कम है दैट थिकनेस इन एमएम इफ आई पुट इट ओवर देयर इट विल बी डीएन इज इक्वल टू 6.04 रूट ओवर टी। ये डीएन सर एमएम में आएगा बाय द वे, ओके। एंड सर दूसरा भी एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ओके, वो भी सर बता देता हूं, चलो पहले आप ये समझ लो पहले व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर। इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर रिवेट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट टू बी यूज्ड। जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, 6.04 इंटू रूट ओवर ऑफ दोनों में से मिनिमम, कौन सा मिनिमम है सर 6 और 8 में 6, ओके, तो इतना नॉमिनल डायमीटर का रिवेट हमको यूज करना है,
right? Okay. 6.04 root over of 6. So it is coming 14.79 mm. Okay. 14.79 mm का तो रिवेट नॉर्मली नहीं मिलता है, तो आपको कितना mm का रिवेट ढूंढना पड़ेगा? 16 mm का, क्योंकि नॉर्मली रिवेट का जो डायमीटर होता है, आप देखना, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द ओकेशंस इट इज इन टर्म्स ऑफ योर इवन नंबर, 10, 12, 8, 14, 16, समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू यूज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट विच इज बिगर देन दिस रिक्वायरमेंट, दैट इज 16 mm. आपको 16 mm डायमीटर वाला रिवेट यूज करना है. कोई डाउट किसी को समझ में नहीं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इसमें मान लीजिए सर, एक प्लेट दिया हुआ है 8 mm का, एक प्लेट दिया हुआ है 10 mm का. प्लीज टेल मी क्विकली द आंसर, व्हाट्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट टू बी यूज्ड? मतलब सर बेसिकली द डायमीटर ऑफ द होल दे आर आस्किंग एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन. प्लीज टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. बताना सर कि कितना जवाब है सर. प्लीज टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. अभिषेक इज सेइंग 18, मयंक इज आल्सो सेइंग 18. चलिए सर देखते वेदर दे आर करेक्ट और नॉट सर. चलिए देखते 19.5. ओके तो सर चलिए, फर्स्ट थिंग इज योर 6.04 इनटू टी मिनिमम इन एमएम. 6.04 इनटू टी मिनिमम, 8 और 10 इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, तो इट इज 6.04 इनटू रूट ओवर ऑफ 8. सर कितना होगा आंसर? इट इज योर 17.08. 17.08 mm आपका रिक्वायरमेंट है नॉमिनल डायमीटर के, राइट? 17.08 mm. ओके तो आपको सर कितना mm डायमीटर का रिवेट इस्तेमाल करना है? यू हैव टू यूज अ रिवेट ऑफ डायमीटर 18 mm, क्योंकि इवन नंबर के टर्म्स में होता है. सो बेसिकली योर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस डायमीटर? इट इज नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5, राइट? क्योंकि ये 18.25 से कम है, तो इट इज 18 प्लस 1.5, दैट इज 19.5. यहां पे और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, दैट इज सपोज, जस्ट लेट मी एड अ स्लाइड एक्चुअली, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं. द पॉइंट इज सपोज यू नो इन केस, ये तो मैंने आपको लैप जॉइंट दिखाया है ना. अगर मान लीजिए आपके पास क्या बोलते यू नो डबल कवर बट जॉइंट है, तो उस केस में सर क्या करोगे, कैसे ये टी मिनिमम को निकालोगे? लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके क्या हुआ राजू, आप कहीं श्याम और बाबूराव को तो नहीं ढूंढ रहे हो? चलो कोई नहीं. ओके फाइन. सो मान लीजिए सर इस तरीके का एक आपके पास यू नो वैल्यू दिया हुआ है. सो दिस वैल्यू इज सपोज 6 mm, इसका भी सर कवर प्लेट का थिकनेस है 6 mm, एंड सर इसका थिकनेस है 10 mm, राइट? आपको सर पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी मिनिमम, ठीक है? आपको इस केस में भी बोला है कि सर मैं एक आपको रिवेट सर इस तरीके का दूंगा. ओके प्लीज टेल मी व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट आई एम गोइंग टू यूज. ऊपर नीचे 6 mm का दोनों कवर प्लेट लगाया हूं, और सर मेन प्लेट जो लगाया हूं 10 mm का, ठीक है? आपसे पूछा गया व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर, तो आप क्या करोगे? सर इट इज 6.04 इनटू रूट ओवर टी मिनिमम. अब सर ये टी मिनिमम कौन सा लोग है? दिस टी मिनिमम एक्चुअली यू आर गोइंग टू टेक एज द मिनिमम ऑफ, याद रखना सर, इट्स अ मिनिमम ऑफ टोटल कवर प्लेट थिकनेस एंड मेन प्लेट थिकनेस. टोटल कवर प्लेट थिकनेस कितना है? 6 + 6, ओके, एंड द मेन प्लेट थिकनेस दैट इज योर 10. तो दोनों में से जो मिनिमम है दैट इज योर 10. सो यू हैव टू टेक हियर 10. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सो इट इज कमिंग एज योर 19.1 mm. तो अगर आपको ऑप्शन में 19.1 डायरेक्टली डील दे रहा है, ये देखो सर आ गया बाबूराव आपसे. तो अगर सर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में 19.1 डायरेक्टली दिख रहा है, तो इट्स वेरी गुड, यू आर डायरेक्टली टेकिंग इट. बट इन मोस्ट ऑफ द ओकेशंस यू मे आल्सो गेट अ होल नंबर इंटीजर,
तो ऑन दैट ओकेशन, क्योंकि 19.1 mm का डायमीटर तो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं ना, आपको कितना खरीदना है सर जाके 20 mm का, ठीक है, समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट्स, कि किस तरीके से सर हम इसको अरेंज करते हैं, इसको सर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स को क्या क्या बोलते हैं सर, लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज व्हेन द रिवेट्स आर अरेंज लाइक दिस, ओके, द कबीरा सिंगा, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स इन द डिरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स इज नोन एज पिच. क्या बोला सर? ये सर एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट में मान लो ये चार ठो रिवेट, ठीक, मैं इस डिरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो इसी डिरेक्शन में दोनों रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर पिच, ठीक है. और सर पिच के परपेंडिकुलर डिरेक्शन में, मतलब लोड जिस डिरेक्शन में मैं अप्लाई कर रहा हूं उसके परपेंडिकुलर डिरेक्शन में, एक्चुअली यस एग्जैक्टली अभिषेक, तो सर अगर जो है ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड इन अ डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये सर फोर्स के एप्लीकेशन है उसके परपेंडिकुलर है ये, दैट इज योर जी, समझ में आ गया, ये सर गेज. तो पिच एंड गेज इज क्लियर, ओके. नाउ आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर गेज, सॉरी एज एंड एंड. देखो सर एक चीज मैं हमेशा आपको बताता हूं सर, एज गेज भाई भाई. क्या बोला सर मैं? एज गेज भाई भाई, मतलब सर एज आप उसी डिरेक्शन में लोगे जिस डिरेक्शन में आप गेज लियो, ठीक है. एज और गेज क्या क्या होता है सर? प्लेट के साथ, प्लेट जो है सर, प्लेट के साथ, प्लेट के जो एंड है उसके साथ लास्ट रिवेट की दूरी, लास्ट रिवेट मतलब यहां पे जैसे कि आपका लास्ट रिवेट कौन सा, ये मान लो सर प्लेट के आपके एज है सर, है ना, तो इसमें सर लास्ट रिवेट कौन सा है सर? ये वाला, तो इनके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर इसको हम बोलते हैं क्या? एज डिस्टेंस. देखो सर एज और गेज सेम डिरेक्शन में, इसीलिए मैं बोला एज गेज भाई भाई, ठीक. नाउ टॉकिंग अबाउट योर पिच, पिच के बारे में सर बात करते हैं ना, पिच के बारे में सर क्या बात करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. इफ आई टॉक अबाउट योर पिच, पिच इज, तो मैंने बता दिया सर एंड लाइन, एंड इज एक्चुअली सर ये भी सर देखो ये प्लेट के साइड के साथ जो लास्ट आपका रिवेट है उसकी दूरी है, बट इट इज मेजर्ड पैरेलल टू पिच, मतलब सर मानो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एंड और ये वाला जो डिस्टेंस है ये एज. आपको मैं एक बार इस छोटे से फिगर को यहां पे दिखा देता हूं, ये देखो सर ये फोर्स का डिरेक्शन है, ठीक है, फोर्स के पैरेलल में दोनों कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेंटर टू सेंटर पिच. फोर्स के परपेंडिकुलर डिरेक्शन में दोनों रिवेट के बीच का डिस्टेंस गेज. ये जो है सर यहां से लेके एंड तक की जो दूरी है एज, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दैट इज योर एंड. कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है जरा सी तो प्लीज टेल मी इन द लाइव चैट सेक्शन इफ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन. इन चारों टर्म्स में कोई कंफ्यूजन, एज गेज एंड और एज, नो प्रॉब्लम सर, पिच एंड गेज एज, नो कंफ्यूजन इन दिस टर्म्स, फाइन, ओके. अब सर जैसे ही मैं इस लोड का डिरेक्शन को ऑपोजिट कर दूंगा एवरी टर्म्स विल गेट ऑपोजिट, मतलब सर फॉर एग्जांपल सेम फिगर में इंस्टेड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लोडिंग अगर मैं लोड को ऐसा कर देता हूं वाई डिरेक्शन के अनुसार तो एवरीथिंग विल बी चेंजिंग. तब सर ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये सर अब लोड के पैरेलल हो गया, ये हो जाएगा पिच, अंडरस्टैंडिंग. ऑन दैट ओकेशन आपकी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा गेज, समझ में आया, क्योंकि ये अब लोड के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है. आप सर गेज और एज सर भाई भाई, ओके, यस 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 यू कैन टेक. एक्चुअली सर प्रोविजन है अभिषेक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर बोल्ट, बोल्ट के लिए सर प्रोविजन है, ठीक है, रिवेट के लिए नहीं मेनली. तो गेज है सर ये पीच है, ओके, अंडरस्टैंडिंग.
और सर उल्टा हो जाएगा, गेज एज भाई भाई, तो ये अगर गेज है तो इसी डिरेक्शन में एज होगा और पिच और एंड है भाई भाई, दैट इज योर एंड। एवरीथिंग कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम, फाइन। अभी सर जो कुछ वैल्यूज देख लेते हैं सर, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सम वैल्यूज। व्हाट इज द मिनिमम पिच दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन बिटवीन द टू रिवेट्स, मिनिमम कितना डिस्टेंस दोनों रिवेट के बीच में मेंटेन रखना चाहिए। सो मिनिमम पिच इज 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट, जो भी नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट है, फॉर एग्जाम्पल द नॉमिनल डायमीटर इज योर 20 mm, सो द मिनिमम पिच इज 2.5 × 20, दैट इज 50 mm, दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन बिटवीन द टू रिवेट्स। ओके, मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए सर, एनी टू एडजेसेंट रिवेट्स इंक्लूडिंग टैकिंग रिवेट्स। ओके, समझो सर ये टैकिंग रिवेट क्या होता है, टैकिंग रिवेट सर क्या होता है, मान लीजिए सर टैकिंग रिवेट का एग्जैक्ट मतलब होता है द रिवेट विच आर ओनली देयर फॉर कनेक्टिंग टू एलिमेंट्स, देयर इज नो लोड ट्रांसफर हैपनिंग थ्रू देम, यह है बुकिश डेफिनेशन। अब सर जरा प्रैक्टिकली समझते कि ये क्या है। ठीक है, मान लीजिए सर एक ऐसा प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लेट के इस पार एक एंगल सेक्शन रखा हुआ है, इस पार भी सर एक एंगल सेक्शन, ये सर एंगल सेक्शन इस तरीके से जा रहा है सर, इधर से भी सर एक एंगल सेक्शन जा रहा है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, अब सर मान लो यहां पे कुछ रिवेट ऐसा लगा हुआ रहेगा, सम रिवेट्स विल बी देयर, जिस रिवेट्स के थ्रू ये रिवेट, समझ रहे हो किस किस को कनेक्ट कर रहा है सर, ये इधर सर एक आपके क्या बोलते हैं इसको एंगल सेक्शन, इधर एक एंगल सेक्शन और बीच का जो प्लेट है, इन सब को कनेक्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग, और इसके थ्रू एक्चुअली लोड ट्रांसफर हो रहा है। आप एंगल सेक्शन में बाहर से लोड दे रहे हो, एंगल सेक्शन बोल रहा है मेरे पीछे प्लेट है, प्लेट तू ले ले सारे लोड, ये किसके थ्रू दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है, रिवेट के थ्रू लोड ट्रांसफर कर रहा है इस पे, राइट। अब सर ये जो प्लेट सर यहीं पे खत्म हो गया, ये गसेट प्लेट जिसको हम बोलते हैं, प्लेट खत्म हो गया, लेकिन सर एंगल चल रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं ताकि सर आपको समझा पाऊं अच्छे तरीके से। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी एड अ स्लाइड। मान लीजिए सर ऐसा एक चीज है, मैं यहां पे सर दिखा रहा हूं ध्यान से, ये सर हाँ सर शियर लोडिंग है, बट वो ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, रिवेट के थ्रू हो रहा है ना, अगर वेल्ड होता तो वेल्ड के थ्रू होगा, तो इस तरीके से सर ये प्लेट देखो सर चल रहा है ना, दिस प्लेट इज जस्ट गोइंग ऑन लाइक दिस, यहां पे जो रिवेट्स है, मान लो यहां पे एक रिवेट है, यहां पे एक रिवेट है, दिस रिवेट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोड ट्रांसफर। आप एंगल सेक्शन में, एंगल सेक्शन के ऊपर लोड दे रहे हो, वो लोड वो इस प्लेट को ट्रांसफर कर रहा है, राइट, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मान लो ये एंगल सेक्शंस बहुत दूर तक चला गया, समझ में आया, लेकिन आई एम स्टिल जॉइनिंग देम थ्रू अ पर्टिकुलर रिवेट, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू मेक देम बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट, इन दोनों को मैं एक ही यूनिट के तरह बिहेव करवाना चाहता हूं, ताकि सर स्ट्रेंथ बेहतर मिले, टू गेट अ बेटर स्ट्रेंथ। एक्चुअली हम इन दोनों को एक ही मतलब सेक्शन के जैसा बिहेव करवाना चाहते, अ यूनिफाइड सेक्शन, इसीलिए सर ये जॉइनिंग, इसके थ्रू कोई लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लोड ट्रांसफर सर यहां पे हो रहा है। तो ये जो रिवेट्स है इसको सर हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिवेट्स, जिसके थ्रू टेंशन कंप्रेशन कुछ भी सर लोड है जो है इसके थ्रू जा रहा है। ये जो रिवेट है जिसका काम है सिर्फ कनेक्ट करके रखना, इट्स मेन पर्पस इज ओनली टू कनेक्ट द टू प्लेट्स, that is known as your tack rivets, that is known as basically your tack rivet, understanding what I'm trying to say, ye jo tack rivet hai actually, in dono tack rivet ke beech mein, kyunki usme to sir load transfer nahi ho raha hai, to aapko kam rivet doge tack rivet tab bhi chalega, isliye sir dekho jo spacing hai dono rivet ke beech mein wo 32t, ye t kya hai sir, t is t minimum, दोनों जो प्लेट को ज्वाइन कर रहा है उनमें से जो मिनिमम थिकनेस है प्लेट का, टी मिनिमम और 300 mm, विच एवर इज लेस, ठीक है, दोनों टैक रिवेट के बीच के डिस्टेंस। नाउ व्हेन आई एम कमिंग टू योर स्ट्रक्चरल रिवेट, स्ट्रक्चरल रिवेट बोले तो
जिसके थ्रू लोड ट्रांसफर हो रहा है उसको सर आप क्या करना है, लोड ट्रांसफर हो रहा है तो आपको ज्यादा रिवेट डालना है, ज्यादा रिवेट डालना है इसका मतलब क्या, उसकी स्पेसिंग कम होगा, ज्यादा रिवेट डालना है तो स्पेसिंग कम होनी चाहिए। देखो टेंशन में सर स्पेसिंग लेते हैं 16T और 200 mm, कंप्रेशन में सर लेते हैं 12T और 200 mm, व्हिचएवर इज लेस। याद रखने का दो टेक्निक बताऊंगा, याद कर लेना सर। अल्फाबेट में सी और टी में से कौन पहले आता है, सी पहले आता है, 12 भी पहले आता है, उसके बाद 16 आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात देखो टेंशन, टेंशन मतलब क्या सर, खींचना, खींच के सर क्या करते हो आप, लंबा कर देते हो, दबा के सर छोटा कर देते हो। ये देखो सर लंबा है ये 16T और सर आप दबा के छोटा कर दिए 12T। दोनों तरीका याद रखने का, बस याद हो जाना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एंड एंड एज डिस्टेंस, इज इट क्लियर बाय द वे, लेट मी नो इन द लाइटर सेक्शन सर, इज इट क्लियर, आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश किया, आई होप इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, राइट। अच्छा एंड और एज डिस्टेंस का सर WSM के हिसाब से बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस मेथड इफ आई टॉक अबाउट, उसमें सर बेसिकली सेम ही चीज है, एंड और एज डिस्टेंस दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, आप एंड डिस्टेंस जो ले रहे हो एज डिस्टेंस का भी वैल्यू वही ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर आर सम रूल्स। कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द यू नो एंड और एज डिस्टेंस मैक्सिमम टू बी केप्ट, कितना सर आप मैक्सिमम सर एज डिस्टेंस या फिर एंड या फिर मिनिमम एंड डिस्टेंस आपको कितना रखना है, ओके मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस आपको कितना रखना चाहिए, एनीवन हु नोज इट एक्चुअली, किसी को सर पता है, एक्सेलेंट वेरी गुड, इट इज 1.7 इनटू ग्रॉस डाया, वेरी गुड, इट इज योर 1.7 इनटू ग्रॉस डाया और द डायमीटर ऑफ द होल, मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस सर इतना हमको रखना ही रखना है, ओके अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर सर इतना मैं रख पाता हूं सर, कोई बोल रहा है सर 1.5 इनटू ग्रॉस डाया, मैं ना दोनों को ही लिख रहा हूं, मैं ना दोनों को ही लिख रहा हूं सर, एग्जैक्टली अभी सर लाइन पे आ रहा है वैल्यू, चलो वेरी गुड, दोनों टाइप ऑफ कट होता है सर, एग्जैक्टली वन इज योर मशीन कट एंड वन इज योर हैंड कट, मतलब जो मशीन कट को सर दूसरा भी एक नाम से बोला जाता है, फ्लेम कट भी बोला जाता है, यस और नो, फ्लेम कट भी बोलते हैं ना सर उसको, है ना, तो सर दूसरा जो है सर उसको हम बोलते हैं क्या, हैंड, जो हाथ से बेसिकली करते हैं, दूसरा सर है बेसिकली आपके मशीन वन। मशीन में सर आपको कम रखने से ही चलेगा, क्यों, क्योंकि मतलब कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने से ही चलेगा, बहुत ज्यादा सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 1.5 पे काम चल जाएगा मशीन कट। 1.7 में क्या हो रहा है सर, एक्चुअली इज हैंड वन, राइट, क्योंकि सर इसमें क्या है आपको ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा रखना पड़ रहा है ना, मिनिमम इतना आपको स्पेस रखना होगा। अच्छा सर ये स्पेस रख के आप बेसिकली क्या करते हो, टैग टेंशन में होगा कैसे राजू, टैग रिवेट का डेफिनेशन ही क्या है, चलो मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूं। टैग रिवेट का डेफिनेशन ही क्या होता है कि जिसके थ्रू कोई लोड ट्रांसफर होता ही नहीं है, जिसके थ्रू लोड ट्रांसफर नहीं होगा उसी को तो टैग बोलेंगे हम, तो टैग में टेंशन में आने की कोई तो संभावना ही नहीं है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वन ट्वेंट। अच्छा दूसरी बात 1.5 ग्रॉस डाया क्या बोल रहे हो, 1.5 ग्रॉस डाया इज डेफिनेटली फॉर योर मशीन गट, ओके एंड 1.7 ग्रॉस डाया इज फॉर हैंड कट, टू सेव गार्ड एंड रप्चर बस्टिंग ऑफ द एज, एक पर्टिकुलर नाम है इस टाइप ऑफ फेलियर का अभिषेक, ओके यस हैंड कट, इसीलिए मैंने लिखा हैंड कट और मैनुअल कट जो भी आप बोल सकते हो, बट अभिषेक इसका एक नाम है, इस टाइप ऑफ फेलियर ऑफ प्लेट का एक नाम है, to avoid dash failure of the plate sufficient end or edge distance is kept, fill in the blank, to avoid dash failure of the plate it is important to maintain sufficient end or edge distance, kaun se failure, let's see if one can actually tell me the correct answers।
यस सर पावर कट भी बियरिंग एब्सोल्युटली करेक्ट वेरी गुड बियरिंग एब्सोल्युटली करेक्ट सर वेरी गुड ये क्या हो गया सर Is it fine now? Yeah, please tell me. Is it fine now? Yes or no? Okay. Yeah. So yes, it's the bearing failure. Absolutely correct, sir. Video pause कैसे हो गया था मैं समझ में नहीं आया. Is it fine now? Please tell me, guys, whether it is done or not. Yes. Yes, absolutely, it's correct. That is your bearing failure. Correct. Very good. Bearing failure is actually nothing but the rupture failure. अभी सर बात करेंगे एक-एक करके सर different different failures के बारे में करेंगे हम बात. So don't worry about that. सबसे पहले याद रखना सर कि पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग पूरे के पूरे जो आपके स्टील स्ट्रक्चर है उसमें केवल एक ही फॉर्मूला लागू होता है सर. ओनली वन फॉर्मूला इज देयर इन द एंटायर स्टील स्ट्रक्चर एंड दैट फॉर्मूला इज रिटन ओवर हियर. दैट इज स्ट्रेंथ और कैपेसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन इज द एरिया ऑफ द सेक्शन इन टू permissible stress of this section. कोई भी section, any section you take actually, उस section का जो भी capacity या फिर strength होगा, मतलब क्या सर? नहीं, edge में tearing नहीं. Tearing कहाँ पे होता है? बता दूँगा. Don't worry. अभी पढ़ाऊँगा अभी tearing failure. Don't worry about that. Okay. देखो सर, tearing edge में क्यों? Tearing सर हर जगह में होता है, लेकिन tearing से बचने के लिए हम sufficient end edge नहीं देते हैं सर. सफिशियंट एंड एज जो देते हैं वो बियरिंग से बचने के लिए देते हैं. मैं ये बोल रहा हूं आपको, मैं ये नहीं बोला कि टियरिंग नहीं होता है. टियरिंग होता है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग. फाइन, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कि परमिसेबल स्ट्रेसेस का वैल्यू कितना कितना है इन डिफरेंट केसेस. सर अगर मान लीजिए फोर्स आपकी एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेसिव फोर्सेस है, सपोज ओके एक्सियल टेंशन है या फिर एक्सियल कंप्रेसिव. ओके, सो ऑन दैट ओकेशन परमिसेबल स्ट्रेस की जो वैल्यू लेते हैं दैट इज 0.6 इनटू FY, वेयर FY इज द यील्ड स्ट्रेस जिसके वैल्यू हम पढ़ चुके थे 250 MPa फॉर माइल्ड स्टील. ठीक है, बेंडिंग, अगर सर बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहा है तो परमिसेबल स्ट्रेस का वैल्यू होता है 0.66 FY, वेयर FY इज द यील्ड स्ट्रेस 250 MPa. बियरिंग, देखो सर बियरिंग स्ट्रेस कहां पे आता है मेनली? Bearing stress comes in the junction of two different types of section. दोनों अलग अलग section जहां पे है सर, जो junction होता है उस junction में सर bearing आता है normally, हमेशा always. मैं आपको दिखाऊंगा bearing stress में detail में पढ़ाऊंगा आपको, don't worry. तो permissible bearing stress जो member के लिए है वो है 0.75 FY, permissible bearing stress for the member. Okay. Shear के केस में जो permissible stress होता है सर वो normally हम लेते हैं 0.4 FY. FY का value अगर 250 लेते हैं तो maximum permissible stress in shear is taken as 0.4 into 250, that is 100 MPa. ठीक है, पढ़ा दूंगा, don't worry. लेकिन कोड में एक provision दिया हुआ है कि अगर wind एवं earthquake load आ जाता है, if wind and earthquake load comes actually, आप क्या करते हो? आप जो ये परमिसेबल स्ट्रेस वैल्यू है इसको बढ़ा देते हो. ओके, परमिसेबल स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस सर? शियर स्ट्रेस स्पेशली. ओके, परमिसेबल ऑलमोस्ट सारे स्पेशली द शियर स्ट्रेस एक्चुअली. परमिसेबल स्ट्रेस को आप 25, क्या इसका मतलब है? आई विल टेल यू, डोंट वरी. प्लस 25% कर देते हो फॉर कनेक्शन एंड प्लस 33% कर देते हो फॉर मेंबर. फॉर 25% फॉर कनेक्शन प्लस 33% फॉर मेंबर. अभी सर समझते चीजों को, क्या मतलब है इसका. देखो एक टर्म आप बचपन में सुने होंगे जिसका नाम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट? ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इसका मतलब होता है सर
yield stress by permissible stress. अब yield stress को सर fixed value है material की property है, इसका value मान लो है 250, ठीक है, हाँ वही 33.33 permissible stress. अब समझो चीजों को ध्यान से. मान लो सर अचानक आपका wind और earthquake load आ गया, तो आप सर सेफ हो गए कि अनसेफ हो गए बताना जरा. बाहर से अगर विंड और अर्थ को एक लोड अचानक आ जाता है तो आप सेफ हो गए कि अनसेफ हो गए? सर मैं अनसेफ हो गया. मैं अनसेफ हो गया इसका मतलब कि मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गया कि घट गया? घट गया. तो यही सर चीज है, इसीलिए मैं परमिसेबल स्ट्रेस को बढ़ा देता हूं. व्हेन वी इंक्रीज द परमिसेबल स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिक्रीज, मतलब दैट बेसिकली शोज यू कि सर मैं अनसेफ के तरफ सर बेसिकली जा रहा हूं, बट फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 से ज्यादा रखना मेरा डिजाइन है सर. ओके, वो सर मेरे को कम करना है, मतलब 1 से कम नहीं होना है, तब तो सर स्ट्रक्चर टूट जाएगा, बट हाँ 1 के करीब चला जाएगा वैल्यू. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ गया? सपोज सर आपने नॉर्मली कैलकुलेट किए सर कि सपोज शियर स्ट्रेस नॉर्मली इज 0.4 × FY 100 MPa, ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि सर मान लीजिए एक क्या बोलते उसको एक रिवेट का सर, एक रिवेट के ऊपर सर अर्थ को एक लोड आ जा रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर रिवेटेड कनेक्शन है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थ को एक लोड आ रहा है. What is the factor of safety in shear? आपका जवाब क्या होगा? Is my question clear? I am asking you that what is the factor of safety for a structure having riveted connection? Riveted connection है sir उस structure के अंदर और उस structure के ऊपर earth को एक load आ गया, ठीक है, तो उस structure का factor of safety कितना होगा? तो आपका जवाब क्या होगा sir? आप बोलोगे sir factor of safety is equal to नॉर्मली क्या होता है सिग्मा वाई बाई परमिसेबल स्ट्रेस. शियर के लिए परमिसेबल स्ट्रेस कितना है 0.4 FY, लेकिन सर अभी ये अर्थक्वेक आ गया सिंस, तो ये 25% बढ़ जाएगा क्योंकि मैं रिवेट के लिए देख रहा हूं 1.25, 25% बढ़ गया ये 1.1 कहां से मिला. सो इट द वैल्यू इज एक्चुअली सिग्मा वाई कट गया, तो द वैल्यू इज कमिंग एज योर 1/0.4 माने होता है 2.5/1.25, सो योर वैल्यू इज 2. अंडरस्टैंडेबल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताना जरा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू नॉर्मली शियर के केस में कितना होगा सर? यील्ड स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेस परमिसेबल. यील्ड स्ट्रेस कितना है सिग्मा वाई, परमिसेबल शियर स्ट्रेस कितना है 0.4 × σy, साफ साफ लिखा हुआ है सर. तो Fy by 0.4 × Fy का वैल्यू कितना होता है 2.5, दैट इज नॉर्मली आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉर्मली. लेकिन सर जैसे अर्थ को एक आ गया, मान लीजिए विंड लोड आ गया, तो ये 0.4 FY नहीं रहेगा सर, इट विल इंक्रीज टू 25% बढ़ जाएगा इसका. तो 0.4 FY के जगह वो वैल्यू हो जाएगा 0.5 FY, 25% बढ़ गया. तो अभी सर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा Fy डिवाइडेड बाई 0.5 FY, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया आपका 2. आया समझ में एवरीवन? समझ में आया तो जल्दी से जल्दी सर एक बार थम्स अप दे दो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी से जल्दी मुझे एक बार डाउट पूछ लो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो सर शियरिंग स्ट्रेस के बारे में तो आपको सर पता चला दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर शियरिंग स्ट्रेंथ. अब सर अगर मैं शियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं सर, व्हाट डू यू मीन बाई शियरिंग स्ट्रेंथ, तो सर चलिए देखते हैं शियरिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम चीज. सर मान लीजिए इट्स अ लैप जॉइंट, यू कैन सी इट ओवर देयर. यहां पे सर एक रिवेट है, ओके नो प्रॉब्लम. अब सर शियर में फेल कैसे हो रहा है समझो, मैं इसको इधर से खींच रहा हूं, इसको इधर से खींच रहा हूं, ठीक है, ये बिफोर फेलियर के बाद कैसे हो जाएगा देखते हैं सर. फेलियर के बाद ये जो रिवेट है कहां से टूट रहा है देखो सर, समझ रहे हो कहां से टूट रहा है, कहां से टूट रहा है सर, जहां पे इन दोनों प्लेट का इंटरसेक्शन है, जो शियर प्लेन है एक्चुअली, जो दोनों प्लेट के बीच का जो शियर प्लेन है, इस प्लेन को बोलते शियर प्लेन, उसी प्लेन से सर ये टूट रहा है रिवेट.
देख पा रहे हो आप सर दोनों फिगर को, देखो सर ऐसे था पहले, अब सर हो गया ऐसे, समझ में आ रहा है? ये दोनों सर इधर उधर, इसको सर मैं इधर खींच रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, ये इधर चला गया, इधर चला गया, राइट? अंडरस्टैंडेबल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब सर जरा बताना मुझे, शियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया इंटू परमिसेबल स्ट्रेस. तो जरा मुझे बताना सर, इसमें कौन से एरिया में एक्चुअली शियर लग रहा है रिवेट को? रिवेट के क्रॉस सेक्शन एरिया में, वहीं से टूट रहा है ना रिवेट. रिवेट कहां से टूट रहा है सर? रिवेट कहां से टूट रहा है? उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से. तो व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ? आई वुड से शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू है सर एरिया पाई बाई फोर इंटू डी जी स्क्वायर. ये सर डी जी क्यों लिख रहे हैं सर हम? नॉमिनल डायमीटर क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि सर हम मानते हैं कि गर्म होने के बाद सर, मतलब जब उस टाइम पे बेसिकली रिवेट का, रिवेट को जब हम इंसर्ट करेंगे तो रिवेट का डायमीटर उसके ग्रॉस डायमीटर के बराबर ही हो जाएगा, ये हम मानते हैं. इसीलिए तो ग्रॉस एरिया पाई बाई फोर डी जी स्क्वायर इंटू परमिसेबल शियर स्ट्रेस. परमिसेबल शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है? 0.4 इंटू सिग्मा वाई. ओके, यस, शैंक का एरिया ऑब्वियसली, बट ग्रॉस डायमीटर से, नॉमिनल डायमीटर से नहीं, राइट? गर्म शैंक का एरिया 0.4 सिग्मा वाई एफ वाई जो भी आप लिखो. अगर मान लो सर इफ देयर इज अ डबल कवर बट जॉइंट, उसमें सर शियरिंग हो रहा है, उसमें शियरिंग कैसे होगा? उसमें सर शियरिंग मतलब है कि फिगर को अगर मैं आधा सर आधा बनाऊं आपके लिए तो आपको सर समझ में आएगा. ये मान लो सर पहले था आपका रिवेट, ठीक है, एक ही रिवेट था. मैं खुद को थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको. उसके बाद सर देखो रिवेट का क्या हालत हो रहा है. देखो सर शियर होने के बाद इस तरफ से तुम खींच रहे थे इसको, ठीक है, या फिर मान लो इस तरफ से तुम खींच रहे हो इसको, राइट? तो रिवेट का एक हिस्सा इधर आ गया, दूसरा हिस्सा इधर, तीसरा हिस्सा इधर. इसका मतलब सर इस रिवेट को, बस ये दोनों तस्वीरों को देखो जरा, ठीक है सर, दिख रहा है आपको? ये मान लो टोटल आपका रिवेट है, ठीक है, लोड ऐसे ऐसे लग रहा है ग्रीन एरोस की तरह. उसके बाद सर इधर ग्रीन एरो लग रहा है, तो ये जो इस वाला पार्ट है ना ये इधर खिसक गया, ये वाला जो पार्ट है सर वो इधर खिसक गया, और ये वाला जो पार्ट है सर वो वापस इधर खिसक गया. अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें सर आप समझो दो एरिया से ये टूट रहा है बेसिकली, इट्स गेटिंग ब्रोकन फ्रॉम टू एरियाज, ये एक एरिया, ये दो एरिया. तो यहां पे सर आपकी शियर स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 2 into π/4 dg². आपका एरिया सर क्या हो जाएगा ऑन दैट ओकेशन? 2 into π/4 dg² इंटू परमिसेबल स्ट्रेस. तो कैन आई से इन जनरल, क्या मैं लिख सकता हूं सर कि शियर स्ट्रेंथ है N into π/4 dg² इंटू परमिसेबल स्ट्रेस, वेयर N इज द नंबर ऑफ शियर प्लेन, कितने जगह से ये टूट रहा है. अगर मान लो कि आपके पास चार प्लेट है सर, आपके पास अगर चार प्लेट है तो कितने जगह से टूटेगा बोल्ट या रिवेट? 1, 2, 3, तीन शियर प्लेन. अगर चार प्लेट तो तीन शियर प्लेन, तीन प्लेट तो दो शियर प्लेन, दो प्लेट तो एक शियर प्लेन. आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली आई कैन राइट शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू N into π/4 dg² into 0.4 fy, वेयर N इज द नंबर ऑफ शियर प्लेन, कहां कहां से ये टूट रहा है. अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग माई पॉइंट? वरन पैंडू से क्लियर है? कोई कंफ्यूजन में दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द बियरिंग स्ट्रेंथ. जरा सर बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं. बियरिंग कहां पे होता है पहले तो ये समझते हैं. मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बोला? बियरिंग ऑलवेज ऑकर्स एट द जंक्शन. क्यों होता है चलिए देखते हैं. सर क्लियर है तो जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट करके बता देना, एक थम्स अप दे देना जरूर. ओके, मान लीजिए सर इस तरीके का एक प्लेट सिस्टम यहां पे मुझे दिख रहा है. यहां पे सर एक बोल्ट या फिर एक रिवेट है बेसिकली. लेट्स अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर. अब सर क्या हो रहा है? मैं इसको खींच रहा हूं सर इधर से, राइट? अंडरस्टैंडिंग? अब बस कोई एक प्लेट के बारे में जरा देखना प्लीज, ठीक है? लोडिंग कंडीशन देख पाए? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट ओवर हियर. फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन है प्लेट का, ठीक है, मैं खींच रहा हूं तो ये वाला जो पोर्शन है प्लेट का वो सर आगे जाएगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा,
नहीं सर, कपल ओपन, सुनो 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 पहले, प्रॉब्लम है ये रिवेट का जो पीछे का हिस्सा है ना, वो भी तो आगे जाने की कोशिश करेगा, इट विल ऑल्सो ट्राई टू कम अलोंग। मैं खींच रहा हूं सर इसको, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आगे जा रहा है, मौका है। रेड वाला जो पोर्शन है सर, ये भी आगे जाने की कोशिश करेगा। सामने ये खड़ा है कौन सा, ये क्या हो रहा है सर? यस, ये रिवेट खड़ा है सर, तो ये आगे नहीं जा पा रहा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये अपना जो पूरा शक्ति है वो किस पे दिखाएगा, ये रिवेट पे, अंडरस्टैंडिंग वाला पेंडू से, गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली इसमें जो आप खींच रहे हो इस वाले प्लेट को, ये जो पोर्शन है सर प्लेट का, आराम से आगे जा सकता है, मुश्किल है इस रिवेट के पीछे का हिस्से को लेके, अंडरस्टैंडिंग वाला पेंडू से, ये वाला जो हिस्सा है ये आगे जाना चाहता है। ओके, अगेन वीडियो पोस्ट, क्या हो रहा, इज इट नाउ ओके, प्लीज टेल मी, इज इट नाउ ओके, नाउ फाइन, प्लीज टेल मी, ओके, इज इट नाउ ओके, प्लीज टेल मी। Was that, for example, कि ये वाला जो सर पोर्शन है, ये रेड वाला जो पोर्शन है सर, राइट, ये भी सर आगे जाने की कोशिश करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट वन पेंडू से, मैं ग्रीन वाले पोर्शन तो सर इसके सामने कोई बाधा नहीं है सर, ये आराम से चला जाएगा, लेकिन इसका जो पीछे का हिस्सा रेड वाला पोर्शन, ये आगे जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा पाएगा। क्यों, क्यों सर? क्योंकि सर सामने रिवेट खड़ा है, इसीलिए, गेटिंग माई पॉइंट वन पेंडू से। सो दैट इज वाई बेसिकली, दैट इज वाई बेसिकली वाट इज हैपनिंग, ये प्लेट जो है ये पूरा का पूरा अपना शक्ति इस रिवेट के ऊपर दिखाएगा। समझ में आया? यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये जो प्लेट का ये जो रेड पोर्शन है ना, ये सामने जाने की कोशिश करेगा ना, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने रिवेट खड़ा है, तो ये अपना पूरा फोर्स किस पे दिखाएगा, रिवेट के ऊपर। तो इसके वजह से रिवेट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंसेंट्रेशन होगा, जिसके वजह से ये रिवेट टूट सकता है। दिस इज एक्चुअली नोन एज योर बियरिंग फेलियर। सो इन वन सेंटेंस इफ आई टॉक अबाउट बियरिंग फेलियर इज ऑल्सो नोन एज क्रशिंग फेलियर, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे, रिवेट टूट जाता है, क्रश हो जाता है अगर फेल होता है तो बेसिकली दिस बियरिंग फेलियर ऑफ द रिवेट एक्चुअली वॉट एवर इट हैपन्स ओवर देयर, ओके, रिवेट तो बैंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या बोले, समझ में नहीं आया सर? तो अगर सर फेल होना, मतलब फेल होने के लिए सर क्या होना है कि सर रिवेट, अरे सर बैंड ना हो, इसीलिए तो हमको सफिशियंट स्ट्रेंथ वाला रिवेट प्रोवाइड करना है ना। तुम सर जानते हो एक रिवेट की परमिसेबल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी, परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो वो आप देख लोगे, राइट, या आप देख लोगे कि सर इस रिवेट का परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस है इतना, 300 MPa। तो आप सर खुद कैलकुलेट करोगे उसके बाद कि एक्चुअली जो बियरिंग स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे, वो परमिसेबल से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है मुझे कुछ बड़ा सा मोटा सा कुछ दूसरा रिवेट यूज करना होगा। अगर सर गिड़ी में पॉल वाला पेंडू से, अगर सर यहाँ पे, अगर सर यहाँ पे एक क्या बोलते इसको, अरे सर कपल फॉर्म तभी होगा अगर मैं ये दोनों अप्लाई करूं, अगर मानो सिर्फ मैं एक ही अप्लाई कर रहा हूं तब भी सर बियरिंग हो सकता है, ओके, तो कपल फॉर्म होना जरूरी नहीं है और कपल के साथ बियरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। ये मैंने दिखाया आपको जस्ट फॉर शोइंग, एक्चुअली मैं एक ही प्लेट में फोर्स लगा सकता था, नॉट अ बिग डील, तब भी सर बियरिंग होगा। द पॉइंट इज एक हिस्सा प्लेट का सामने जा पा रहा है, दूसरा हिस्सा नहीं जा पा रहा है, तो ये यहाँ पे काफी सारा लोड लगा रहा है इसके ऊपर बेसिकली, तो इसके वजह से आपका प्लेट जो है टूट सकता है, इतना ही है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस मत लगाओ इसमें, सिंपल है, ठीक। अब इसकी एनालिसिस करते हैं,
इस सेक्शन को ना जरा काटते हैं हम, ठीक है, इस सेक्शन को काटते हैं जरा, देखते क्या हो रहा है वहां पर। सर लोग बोलते सर ये सब काटना वाटना सिर्फ बायोलॉजी में होता है, देखो हम स्टील स्ट्रक्चर में काट रहे हैं, और वैसे भी हम बहुत सारे लोग काटते हैं, अपना तो काटते ही वो अलग बात है, वैसे भी टीचर का, घर वालों का, सबका ऑलमोस्ट काटते रहते बिना बायोलॉजी स्टूडेंट हुए भी, है कि नहीं। तो द पॉइंट इज ये सर वो सेक्शन है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर रिवेट होगा काफी सारे, ये सर मान लो एक रिवेट, ये सर मान लो दूसरा रिवेट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सर पॉइंट ये है, इस रिवेट्स के ऊपर सर फोर्स लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग कितना होगा बियरिंग स्ट्रेंथ। सर कुछ देर पहले मैं क्या बोला आपको, सर कैपेसिटी और बियरिंग स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनटू परमिसेबल स्ट्रेस। जरा मुझे बताना कि कौन से एरिया के ऊपर एक्चुअली लोड लग रहा है, रिवेट के कौन से एरिया के ऊपर लोड लग रहा है। सर एक्चुअली रिवेट के प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर लोड लग रहा है, ओके। ये सर मान लो डी है, डी जी, और ये प्लेट का थिकनेस टी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। ये मान लीजिए रिवेट है, रिवेट तो एक्चुअली सर ऐसा है, तो इस सरफेस में सर, सामने के सरफेस में सर बेसिकली धक्का लग रहा है। कौन धक्का मार रहा है सर, प्लेट, तुम प्लेट को खींच रहे हो, प्लेट की जो मटेरियल है वो रिवेट को धक्का मार रहा है, समझ में आया। तो बेसिकली सर रिवेट के सामने वाला एरिया, मतलब क्या प्रोजेक्टेड एरिया, एक क्या बोलते उसको, सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है सर, एक सिलेंडर को अगर सर ऐसे रख के आप टॉर्च मारते हो दीवार पे, जो परछाई आती है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर एरिया जैसे बिहेव करेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम टू से। तो एक्चुअली इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट इज योर रेक्टेंगल विद द डायमेंशन ऑफ डी जी, डायमीटर एंड टी, ये सर टी, ठीक है। एक रिवेट का बियरिंग स्ट्रेंथ कितना हो गया, एरिया इनटू परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेंथ, एफवाई नहीं, परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेंथ, परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेंथ जो भी होगा वो, ठीक, चलिए। इट्स नॉट 0.75 एफवाई, 0.75 मेंबर के लिए था, रिवेट के लिए नहीं। डीजी इनटू टी इनटू सिग्मा बियरिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मान लीजिए मल्टीपल रिवेट्स है, 1, 2, 3, 4 रिवेट है, तो वी विल टॉक अबाउट n into dg into t into sigma permissible, कोई confusion किसी को नहीं, 0.75 नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा था, okay, be careful. So what I was saying is next, bearing strength का सर फंडा समझ में आ गया, bearing strength। अब सर कुछ कुछ values को देखते हैं, सर इस values को हमको याद रखना है, value याद रखने का तरीका भी बता दूंगा, बहुत सिंपल है। ये सर आपके rivets है, और ये सर उनके एक्सियल टेंशन, परमिसेबल, परमिसेबल शियर स्ट्रेस, परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस है, ठीक है। एक चीज का बस याद रखो जो बेस्ट है, बेस्ट कौन सा है सर, बेस्ट है आपके पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का मतलब, पहली बात है पावर ड्रिवन, मतलब क्या सर, आप इसको मैकेनिकली मशीन के थ्रू, ओके, हाँ शियर में दोनों के लिए, शियर में दोनों के लिए 0.4 FY, ओके, क्या सर FB, सर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवेट किधर आपको FB दिख रहा है, ओके, समझो सर इधर जो पावर ड्रिवन है सर 100 100 300, देखो सर आपके सामने, इसीलिए मैं चार्ट प्रोवाइड कर दिया अभिषेक। शियर का परमिसेबल वैल्यू कितना आ रहा है 100, लेकिन सबके लिए नहीं सर, 100 या 0.4 इंटू FY करके भी 100 ही आ रहा है ना सर। 100 जो होगा, ये 100 होगा सिर्फ बेस्ट क्वालिटी जो रिवेट है। बेस्ट क्वालिटी रिवेट क्या है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, PDS। पावर ड्रिवन है इसका मतलब मैकेनिकली आप उसको इंसर्ट कर रहे हो। दूसरी बात है शॉप रिवेट है, मतलब इसको आप वर्कशॉप में कंट्रोल्ड कंडीशन में बना रहे हो। तो इस दोनों वजह के लिए इसमें बेस्ट है 100 100 300। जैसे ही सर आप पावर ड्रिवन शॉप से फील्ड में आ गए, 10% की डिस्काउंट, 100 से 90 100 से 90 300 से 270, हो गया 10% की डिस्काउंट।
अब सर जैसे ही आप हाथ में ले लिए, मतलब सर रिवेट को, ठीक है सर, मतलब सर जो आपके रिवेट है, इफ इट इज हैंड ड्रिवन रिवेट, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो हैंड ड्रिवन रिवेट जैसे ही सर हो जाएगा, यहां पे क्या था सर पावर ड्रिवन, मतलब सर आप मैकेनिकली ड्राइव कर रहे हो, तो सर मैकेनिकली सर जैसे ही आप ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि 20% का डिस्काउंट आ जाएगा। देखो 100 था सर, 100 से 80, 300 से होना चाहिए था 20% डिस्काउंट, 240 होना चाहिए था, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया 250, ठीक है, ये सर वैल्यू, एटलीस्ट सर इतना याद रखो, बाकी सर आप याद रखो ना रखो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इतना, ये तीन चीज आपको याद रखना ही होगा, 100, 100, 300, ओके, 90, 90, 270, इसीलिए ना मेरे फैन बने ये लोग, ओके, 100, 100, 300, पूछो इनको कि कोई पढ़ाई के लिए, बोलेगा सर शायद नहीं, ओके सर, ओके सर, ये सब चीजों के लिए सर, ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब सर देखो ये बोल रहे कि सर पढ़ाने के लिए, चलो अच्छी बात है, फाइन, तो सर 100, 100, 300, ओके ओके, डेटा गिवन होता है, हाँ जी सर गिवन होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वैल्यूज सर आपको याद रखना होगा, ये बहुत कॉमन वैल्यूज है, पावर ड्रिवन यू नो फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, सर एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें सर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट दे दिया उन लोगों ने और उसमें सर वैल्यू नहीं बताया था उन लोगों ने, ओके 90 होता था सर एक्चुअल वैल्यू शेयर के लिए परमिसेबल, और बियरिंग के लिए 270 पर क्वेश्चन में उन लोगों ने नहीं दिया, टेंशन मेंबर का क्वेश्चन था मुझे याद है, उसमें उन लोगों ने वैल्यू नहीं दिया था उसे, तो रिस्क लेके क्या ही फायदा सर, बहुत ईजी है रिमेंबर करना, 100, 100, 300, पावर ड्रिवन शॉप बेस्ट क्वालिटी, जैसे ही शॉप से आप फील्ड में आ गए, जैसे सर शॉप से आप फील्ड में आ गए 10% की डिस्काउंट होगी, 90, 90, 270, फिर सर फील्ड से आप हैंड ड्रिवन में आ गए पावर ड्रिवन से तो 20% डिस्काउंट, 80, 80, 250, बस सिंपल। अब आते हैं सर रिवेट वैल्यू के कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। रिवेट वैल्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली सेज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट अ रिवेट कैन विदस्टैंड, द मैक्सिमम लोड दैट अ रिवेट कैन विदस्टैंड बिफोर इट्स फेलियर। हाँ सर एईजेई में तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, एईजेई में तो सर बिल्कुल डायरेक्ट एकदम पूछ लेते हैं सर, यस। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट सपोज रिवेट वैल्यू का मतलब क्या है, रिवेट वैल्यू इज नथिंग बट द मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि सर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सर कोई भी एक पर्टिकुलर रिवेट जो है वो रिवेट 300 किलो या फिर 200 किलोन्यूटन का या दो ज्यादा हो गया सर 30 किलोन्यूटन का शियर स्ट्रेंथ है उसका, मतलब 30 किलोन्यूटन का शियर लोड वो झेल सकता है, ओके। और सर दूसरा है वो बियरिंग स्ट्रेस जो है, बियरिंग स्ट्रेंथ जो है उसका वो है 40 किलोन्यूटन, तो व्हाट इज द रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू का मैंने डेफिनेशन क्या बोला, रिवेट वैल्यू का डेफिनेशन है कि सर रिवेट कितने लोड मैक्सिमम झेल सकता है बिफोर इट फेल्स। अब सर आप मतलब को समझो, मैं बाहर से लोड लगा रहा हूँ, ठीक कल के जो प्लास्टिक जो कोलैप्स लोड वाला कॉन्सेप्ट बताया था वही, मैं बाहर से लोड लगा रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, जैसे ही सर 30 आया तो फिर क्या हो गया, ये शियर में टूट गया, थोड़ी ये वेट करेगा कि कब 40 आएगा और सर मैं बियरिंग में टूट जाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो रिवेट वैल्यू इज ऑलवेज द मिनिमम फोर्स इन विच अ रिवेट फेल्स। तो समझ में आया, नो कंफ्यूजन, सो इट इज मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड द बियरिंग स्ट्रेंथ, शियर एंड द बियरिंग स्ट्रेंथ, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया, फाइन, ये क्या हो गया सर, ओके फाइन। नाउ सर प्लीज डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्लेट वगैरह दिया हुआ है सर, इसमें बोल रहा है कि इट इज सब्जेक्टेड टू ओके अ लोडिंग ऑफ अरेंजमेंट इज सब्जेक्टेड टू, अरेंजमेंट इज सब्जेक्टेड टू अ लोडिंग ऑफ 150 किलो न्यूटन, ओके कब जो, अच्छा यस
कम हुआ तो और कम लोड में टूटेगा। नहीं सर, प्लेट की स्ट्रेंथ कम हुआ तो प्लेट टूटेगा ना, रिवेट क्यों टूटेगा? रिवेट वैल्यू इज ओनली द मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। प्लेट का स्ट्रेंथ कम है तो वो प्लेट टूटेगा, रिवेट क्यों टूटेगा? प्लेट के बारे में हम बात करेंगे टेंशन प्लेट, टेंशन मेंबर जब सब बात करेंगे उसके बाद उस टाइम पे। अरेंजमेंट इज सब्जेक्टेड टू अ लोडिंग ऑफ 150 किलोन्यूटन। आपको पूछा गया कितने सारे रिवेट्स चाहिए होगा, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड। तो अगर सर मैं एक रिवेट का रिवेट वैल्यू निकाल लेता हूं, मान लो सर रिवेट वैल्यू मेरा आ रहा है 50 किलोन्यूटन, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो रिवेट वैल्यू आ रहा है 50 किलोन्यूटन। आपने कैलकुलेट किया रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड बेयर स्ट्रेंथ। मतलब क्या सर, मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू आपने क्या निकाला था, एन इंटू दिस, एन इज नंबर ऑफ शियर प्लेन, ओके, पाई बाय 4 डीजी स्क्वायर इंटू परमिसेबल शियर स्ट्रेस। परमिसेबल शियर स्ट्रेस को मैं क्या लिखता हूँ, टाउ, टाउ परमिसेबल लिख रहा हूँ, 0.4 FY, ठीक है, परमिसेबल शियर स्ट्रेस। एंड द बियरिंग, बियरिंग का आपने क्या लिखा था, एन इंटू डीजी इंटू टी मिनिमम इंटू परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस। ये एन दूसरा एन है सर, इट इज नंबर ऑफ रिवेट, और ये सर नंबर ऑफ शियर प्लेन। सर ये शियर स्ट्रेंथ है, ये बियरिंग स्ट्रेंथ है, दोनों में से जो मिनिमम है वो रिवेट वैल्यू। हाँ सर, शॉप रिवेट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो ऑलवेज कंसिडर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, याद रखना सर। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज कंसिडर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी, 100, 100, 300 वाला रिवेट, ऑलवेज यही कंसिडर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में सर बोला गया कितने सारे रिवेट चाहिए, तो अगर मान लीजिए इफ यू हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द रिवेट वैल्यू, मान लीजिए आपने रिवेट वैल्यू कैलकुलेट किया 50 किलोन्यूटन, मतलब क्या कि एक रिवेट मैक्सिमम 50 किलोन्यूटन फोर्स को झेल सकता है, तो 150 किलोन्यूटन को झेलने के लिए कितने रिवेट चाहिए, 150 बाय 50, दैट इज 3 रिवेट्स। आया समझ में किस तरीके के सर कैलकुलेशन करना है, हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन, आई थिंक इट्स डन, समझ में आ गया, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ओवर हियर। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो है सर क्या, कि कौन से डायमीटर का रिवेट इस्तेमाल करना है वो निकालना, कि सर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट यू हैव टू यूज, वो सर देखना है आपको। तो वो आपको कहां से मिल जाएगा, सर अनविंस फॉर्मूला से, क्योंकि प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है, तो अनविंस फॉर्मूला से यू विल गेट दैट विच डायमीटर ऑफ द रिवेट यू आर गोइंग टू यूज। नॉमिनल डायमीटर दोनों का मिनिमम, यानी कि 19.1 आ रहा है वैल्यू, यानी कि सर आपका जो नॉमिनल डायमीटर होगा जिसका आप रिवेट निकालोगे, दैट इज योर 20 mm डायमीटर का रिवेट आप इस्तेमाल करोगे, यू आर गोइंग टू यूज द रिवेट ऑफ डायमीटर 20 mm। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्रॉस डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवेट, ग्रॉस डायमीटर वुड बी 20 + 1.5, दैट इज 21.5 mm। नो कन्फ्यूजन राइट, दैट कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, 21.5 mm इज द ग्रॉस डायमीटर ऑफ, क्योंकि ये 20 mm 25 mm से छोटा है तो इसलिए +1.5, ठीक है। तो सारी चीजें अभी आ गया आपके पास, नाउ यू कैन कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि देखो रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है डीजी, डीजी के बिना तो सर नहीं होगा, ओके। तो सर सबसे पहले आप वो निकाल लिए, सो प्लीज कैलकुलेट व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेंथ। तो ये इट्स अ वेरी सिंपल लैप जॉइंट सर, अगर सर ये लैप जॉइंट है तो इसमें नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, सर दो प्लेट है तो नंबर ऑफ शियर प्लेन एक ही है ना सर, एक जगह से ही टूटेगा, ये सर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, टूट जाएगा। तो 1 × π/4 × dg² एरिया इंटू परमिसेबल शियर स्ट्रेस, ओके। लेकिन फॉर्मूला का जो ध्यान रखना सर, क्योंकि सर आपको ये परमिसेबल शियर स्ट्रेस 0.4 × 250 लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इट्स अ परमिसेबल शियर स्ट्रेस, तो इसका वैल्यू सर 100 होगा, क्योंकि सर 100 ही लिखना, 0.4 FY, क्योंकि सर इसका वैल्यू ही 100 है। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट आपने मान लिया था, शियर स्ट्रेंथ है परमिसेबल शियर स्ट्रेस है 100, लेकिन सर ये 100 का यूनिट है न्यूटन पर mm² में, राइट। और इसका जो डीजी स्क्वायर का यूनिट होगा वो है mm², पाई बाई 421.5² × 100, ये mm² और ये न्यूटन पर mm², तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन,
ये एम एम स्क्वायर और ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दोनों का कट होकर सर यूनिट होगा न्यूटन, इसलिए डिवाइड ऑलवेज बाई 1000 टू गेट द आंसर इन किलो न्यूटन, क्योंकि आपको कंपेयर करना है क्वेश्चन में दिया हुआ है लोड 150 किलो न्यूटन, सो इसलिए आप किलो न्यूटन में लो आंसर, ठीक है। तो देखना सर कितना वैल्यू आ रहा है, पाई बाई 421.5 स्क्वायर इंटू 0.1, सो इट्स कमिंग 36.305 इतना किलो न्यूटन, आया समझ में। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, अभी आप सिर्फ एक रिवेट के लिए निकाल लो, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इज डी जी इंटू टी मिनिमम इंटू परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस, ओके। डी जी का वैल्यू कितना, डी जी वैल्यू इज 21.5, टी मिनिमम थिकनेस ऑफ द मिनिमम सर कितना है दोनों में से, 10 और 12 सर 10, परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस आपने कौन सा रिवेट माना था सर, पावर ड्रिवन शॉक, तो परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होगा 300, लेकिन फिर भी देखो एमएम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, द वैल्यू इज इन न्यूटन, डिवाइड कर दो 1000 से, द वैल्यू इज योर this particular thing that is your 215 into 0.3, so it's coming as 64.5 if I'm not wrong, to iska matlab is rivet ko shear mein fail karne ke liye 36.3 kilonewton load ki zarurat hai aur bearing mein fail karwane ke liye 64.5 kilonewton ki zarurat hai, to obvious baat hai agar tum bahar se load laga rahe ho, you are applying load externally 0 5 10 20 30 36.3 aa gaya fail ho gaya, मतलब ये सेफली मैक्सिमम 36.3 किलोन्यूटन लोड ही झेल सकता, राइट, दैट इज इट्स रिवेट वैल्यू, देयरफॉर रिवेट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ 36.305 एंड 64.5, दैट इज 36.305, तो इसका मतलब एक रिवेट सेफली 36.305 किलोन्यूटन लोड झेल सकता है, आपको कितना झेलना है 150, सो हाउ मेनी रिवेट्स आर रिक्वायर्ड 150 by 36.305, any question if you have regarding the question regarding the problem please tell me, it's 4.13 matlab aapko 5 rivet ki zarurat hai, you need actually 5 rivets to withstand safely the 150 kilonewton load, that's all for today, thank you for being here for so long, तो सर मिलते हैं हम आपसे अगले दिन, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, जितना सर आपको बताया गया इस सेशन में, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, गिव मी अ थम्स अप एंड डेफिनेटली डू जॉइन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, डू टेक बिफोर 14th of April टू गेट द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ 2 months, 2 months का आपका एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स मिल जाता है, एंड डेफिनेटली ऑल्सो डू जॉइन आवर मॉक टेस्ट प्रोग्राम, 100+ मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है ओनली 49.99 रुपीज में, हमारे AEJEE का भी कोर्स है जो जिसका फीस 1 year के लिए है सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपीज, ओके, फॉर 1 year द AEJEE फीस इज ओनली 8000 रुपीज, 8000+ एक्चुअली रुपीज, इफ यू अप्लाई द कोड ANR10 आपको सर बहुत ही सारे बेनिफिट एक्सक्लूसिव मिल जाता है ओवर देयर, सो डेफिनेटली डू जॉइन द कम्युनिटी विथ ANR10, जल्दी से जल्दी सर ज्वाइन कर लेना बिफोर इट्स टू लेट फॉर द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आइदर प्लस और आइकॉनिक 14th April से पहले पहले ज्वाइन कर लेना, आपको 12 months के जगह 14 months का और 24 months के जगह 27 months का सब्सक्रिप्शन मिलता है सेम प्राइस में ही, दैट इज आफ्टर अप्लाइंग द कोड द प्राइस विल बी 32,000 फॉर प्लस एंड 55,000 समथिंग for your iconic, okay, जल्दी से जल्दी by 14th of April do subscribe to enjoy the additional benefits, after that again it's going to be neutral, okay, bye guys, thank you for being here for so long, meeting you very soon in my next video, bye, thank you, bye, take care.